अनूपपुर के सहकारी समिति पटना कला अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकान बरहा टोला में लॉकडाउन के दौरान अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दीवार फांदकर राशन चोरी करने का कार्य किया जा रहा था। इतना ही नहीं, इस बात की शिकायत थाने में होने के बावजूद चोरी की घटना घटित हो रही थी। इसी के मद्देनजर राशन विक्रेता राशन की सुरक्षा के लिए रात में राशन दुकान पर ही रहने लगे, लेकिन तभी अज्ञात चोरों द्वारा राशन विक्रेता रामराज सिंह पर धारदार हथियार से घातक हमला कर दिया गया। इस घटना के बाद से ही सहकारी समिति के विक्रेता और कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। मैं अनूपपुर जिले से सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ जिला इकाई अनूपपुर से जिलाध्यक्ष हूँ। परसों हमारे विक्रेता रामराज सिंह जी के साथ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया है, जिनको देखने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ जिला हॉस्पिटल में, और उन्हें काफी गंभीर चोटें आई हैं। शासन प्रशासन, जिला प्रशासन इस दौर पे जिस मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है, उस स्थिति में कर्मचारियों के साथ ये समस्याएं हैं। हमारा कर्मचारी जन कल्याणकारी योजना, हमारा जो नियोक्ता है वो है सहकारिता विभाग, और सहकारिता विभाग के साथ साथ हम लोग खाद्य विभाग के नियोजन में कार्य करते हैं। हमारा एक एक विक्रेता इस कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी सेवाएं दे रहा है। प्रत्येक गाँव में, अपितु केवल अनूपपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी कर्मचारी हैं जो इस जनमानस में कार्य कर रहे हैं कोविड-19 में, वो सभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। किंतु सहकारी समितियों के कर्मचारियों को आज दिनांक तक शासन के द्वारा न तो उचित वेतन देने का कोई प्रावधान किया गया और न ही कोविड-19 के कोरोना योद्धा में शामिल करते हुए बीमा दिया गया। आज हमारा विक्रेता एक गाँव में जाता है राशन वितरण के लिए, तो वहाँ करीब 100 से 200 उपभोक्ताओं को प्रतिदिन राशन वितरण करता है। अब इसमें पता नहीं कौन कोविड-19 से ग्रसित है। यदि हमारा विक्रेता कोविड-19 से ग्रसित हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं। हमारे साथ साथ यदि हमारा पूरा परिवार कोविड-19 से ग्रसित हो गया ये कार्य करते करते, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन से मैं ये पूछना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हमारे कोई भी विक्रेता को, किसी भी विक्रेता को जो शासकीय उचित मूल्य दुकानों में कार्य कर रहा है, इस कोविड-19 में अपनी सेवाएं दे रहा है एक सच्चे सैनिक की तरह, उसके लिए क्या सुविधाएं हैं? बिना कोई सक्षम कहा जाए उपकरण के, स्वास्थ्य उपकरण के अपनी सेवाएं दे रहा है। न तो सैनिटाइजर है, न ही मास्क है, न कुछ भी दुकान में दिया गया है, कुछ भी चीज शासन की तरफ से नहीं दिया गया है। बल्कि हमारे विक्रेताओं के ऊपर जिस तरीके से ये स्थितियां निर्मित हो रही है कि वो विक्रेता जा रहा है दुकान खोलने के लिए, उसके साथ मारपीट हो रहा है, जो उक्त घटना बहुत दुखद है, जिसको सोचते हुए सरकार बिल्कुल संज्ञान में ले इन चीजों को और तत्काल कार्रवाई करे। हमारे जो विक्रेता हैं पटना कला से रामराज सिंह, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। इसमें शासन प्रशासन न तो उनसे मिलने आई है, न किसी प्रकार का कुछ दुख दर्द उनसे समझने के लिए आया है, और इस स्थिति में यदि हमारे कोई कर्मचारी को कुछ हो जाता है तो इसका जवाबदार कौन होगा? शासन हमें बीमा योजना में शामिल करे, हमें उचित वेतन दे, हमारे भविष्य निधि के लिए कुछ सोचे, क्योंकि हम शासकीय नियोजन में कार्य कर रहे हैं। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय लोकप्रिय कलेक्टर महोदय जी से, कि हमारे इन समस्याओं को सुना जाए एवं सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। हमारा विक्रेता रोज प्रतिदिन एक कोरोना योद्धा की तरह कार्य करता है 100 से 200 पब्लिक के बीच में, लेकिन आज बीमा योजना से वंचित है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि हमारे निवेदन को सुना जाए और इस पर कार्यवाही की जाए। JSR टाइम्स के लिए अनूपपुर से दीपक कुमार मेहरा की रिपोर्ट।